नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो आपने दाल पालक तो बहुत बार खाया होगा, पर मैं आपके लिए दाल पालक की एक नई रेसिपी ले आई हूँ, जिसे ईस्टर्न यूपी में दाल साग पैता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ना सिर्फ पालक के साग का बल्कि सोए का साग भी इस्तेमाल होता है। तो चलिए चलते हैं आज के स्वादिष्ट रेसिपी बनाने की ओर। ये हमने एक कटोरी काली वाली उड़द की दो टुकड़ों वाली दाल ली हुई है। अब हम इसे अच्छी तरह से एक बाउल में पानी डाल के चार पांच पानी इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। तो इसे हमने खूब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के ही धुलना है, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह और ज़्यादा मात्रा में होती है। ये दाल काली होती है इसलिए इसकी गंदगी दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम इसे खूब अच्छी तरह से रगड़ के पाँच से छः पानी धोएंगे। तो ये हमने अपनी दाल को खूब अच्छी तरह से धुल के साफ़ कर लिया हुआ है। अब हम इसे एक कुकर में डालेंगे। तो ये हमने अपनी दाल को कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं इसमें दो गिलास पानी डालूँगी। ये हमने दो गिलास डाल लिया। अब हम इसमें एक चम्मच हल्दी डाल ले रहे हैं, साथ ही हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल करके इसे आँच पे कुकर को रख के चार सीटी पकाएंगे। तो अब हमने अपने गैस को जला लिया है। अब इस पर हम अपने कुकर को ढक्कन लगा करके पकने के लिए रख दे रहे हैं। तो उड़द की दाल का साग पैता बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका पालक का साग, जिसे हमने छोटा छोटा काट के रख लिया हुआ है एक पाव। हमने तीन टमाटर लिया, थोड़ी सी मिर्च ली हुई है, और साथ ही एक पूरा फूल हम इसका लहसुन का लेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है सोया का साग। तो इसे हम बहुत थोड़ी ही मात्रा में काटेंगे, लगभग 50 ग्राम के करीब में इसे भी हम छोटा छोटा कट करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, हमने सोया के साग को भी बहुत छोटे छोटे पीस में काट लिया है, और ये मेरे पालक के साग की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। और पालक से हमेशा आधा ही सोया रखते हैं, ये ठंड में ही मिलता है सोया का साग। तो उड़द की दाल का साग पैता ठंड में ही पकाते हैं, बगैर मतलब सोया के साग के इसका साग पैता नहीं बन पाता। तो साग पैता बनाने के लिए हमें सबसे ज़रूरी साग सोया का साग ही है। ये मेरे कुकर में सीटी आने लग गई है, ये मेरी दूसरी सीटी है। इस तरह से हम इसमें चार या पांच सीटी ही देंगे बस। जो हमने तीन टमाटर लिए हुए थे इसके हमने दो पीस कर लिए। अब हम इसे एक मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे, साथ ही हम उसके अंदर दो मिर्ची भी डालेंगे, और इसे हम इसका अच्छी तरह से पेस्ट बनाएंगे। मिर्ची हमने दो ही डाली है, क्योंकि इसको जब हम चौक लगाएंगे तब भी हमने मिर्ची डालनी है, इसलिए हमने इसको कम ही मिर्ची अभी डालनी है। हमने टमाटरों का पेस्ट बना लिया हुआ है। ये कुकर में मेरी दाल भी पक चुकी है। इसे हमने बहुत ज़्यादा पानी डाल के नहीं पकाया हुआ है। ये थोड़ी साबुत ही है। गैस पे एक कढ़ाई को चढ़ाया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच देसी घी, एक बड़ा चम्मच देसी घी। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच राई, साथ ही हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। अब मेरा राई जीरा तड़कने लग गया। अब हम इसमें डालेंगे दो तेज पत्ते, साथ ही थोड़ी सी दालचीनी, तीन से चार लौंग, और तीन हमने छोटी इलायची डाली हुई है। साथ ही हम डालेंगे दो लाल मिर्च। इन सबको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से भूनेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च, कुछ लच्छे अदरक के।
इन सबको डाल के हम 2 सेकंड के लिए भून लेंगे इसे। चलो तो देखिए ये मेरा मसाला अच्छी तरह से भून के तैयार हो गया है और इससे अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, डालने वाले हैं अपना पिसा हुआ टमाटर की प्यूरी और इसे हम अच्छी तरह से हिला हिला के भूजेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा स्वाद के अनुसार इसके मसालों में भी नमक डालेंगे क्योंकि हमने दाल में बहुत कम ही मात्रा में नमक डाल करके मिलाया हुआ है। इसमें हम साग भी डालने वाले हैं इसलिए नमक को उसके हिसाब से ही डालेंगे। तो ये मेरा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बॉयल की हुई उड़द की काली वाली दाल। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए पालक के साग को। पालक के साग को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही डालेंगे और फिर उसके बाद डालेंगे हम सोए के साग को। इसे डाल करके हम 10 मिनट के लिए तेज आंच में ढक देंगे क्योंकि दाल मेरी पालक का साग मिलने के बाद थोड़ी सी पतली सी हो जाएगी क्योंकि साग पानी छोड़ता है। तो इसे हम 10 मिनट के लिए धीमी आंच में ढकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको दाल ज़्यादा सूखी लगे तो यहाँ आप 1/2 कटोरी पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि साग अपना ही पानी छोड़ता है और इसे हम 10 मिनट के लिए ढक करके बिल्कुल ही स्लो गैस पे पकाएंगे। तो देखिए 10 मिनट बाद हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। मेरी दाल न ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है। तो देखिए दोस्तों मेरी दाल अब पकने वाली है। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर फिर से एक बार पकाएंगे। तो देखिए मेरी दाल बनकर एकदम तैयार है और खुशबू भी लाजवाब आ रही है। ये दाल खाने में स्वादिष्ट तो है ही, साथ में पौष्टिक भी बहुत है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। और साथ ही में हम इसमें हरी कटी हुई धनिया को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही हम कुछ लच्छे अदरक के भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मेरी दाल साग पैता एकदम रेडी है खाने के लिए, सर्व करने के लिए। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम कढ़ाई से एक बाउल में निकालेंगे। कितनी बढ़िया से मेरी साग पैता की दाल बनके तैयार है, बिल्कुल ही हरी हरी सी सागों वाली पौष्टिक सी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं ये रेसिपी कैसी लगी आपको। तो चलिए मैं अब आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। इसे मैंने सर्व किया है गर्मा गर्म चावल के साथ, साथ में है आलू का चोखा, पापड़, चटनी और अचार। आप चाहें तो इस दाल का लुत्फ़ रोटी के साथ भी उठा सकते हैं।
तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।